गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ रमेश कुमार फ्रॉम जीपीसी दोसा. जैसा कि अपन सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ने फर्स्ट यूनिट में नेटवर्क कंसेप्ट ने पढ़ा था, नेटवर्क एलिमेंट्स पढ़े थे, देन नेटवर्क टर्मिनल पढ़े थे, सॉरी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी. जैसे आपका चार्ज है, वोल्टेज है और करंट, जो सर्किट एनालिसिस में ज़्यादा से ज़्यादा काम में आते हैं. तो नेक्स्ट अपन जो आज स्टार्ट करेंगे वो है एलिमेंट, जो बेसिक एलिमेंट होते हैं सर्किट थ्योरी में, उनके बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिक एलिमेंट जो सर्किट थ्योरी में है वो आपके तीन टाइप के एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर. तो हर जो एलिमेंट है उसका अलग अलग कंसेप्ट है, तो वन बाय वन अपन स्टार्ट करेंगे. तो आज अपन पढ़ेंगे रजिस्टर. तो इस रजिस्टर से जाने पहले अपन पहले कुछ मटेरियल के बारे में जानते हैं, क्योंकि रजिस्टर से पहले अपन को उसका नॉलेज होना चाहिए. तो अपन जनरली जानते हैं मटेरियल्स होते हैं वो आपके तीन टाइप की होते हैं. ये टाइप्स कैसे होता है, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था कि आपका जो भी करंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो आपके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है वो रहता है. अपन जानते हैं कि जो भी आपका एक एटम्स होता है, एटम्स में जो आपका सेंटर पॉइंट होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है. जो सेंटर पॉइंट होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है. ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये न्यूक्लियस. तो इसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसके चारों ओर आपके सेल्स बने होते हैं जिसको अपन कक्षा बोलते हैं. उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका चक्कर लगाते हैं. तो न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके ऊपर आपका न्यूक्लियस का ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहता है. जबकि जैसे जैसे आपका सेल से अपन बाहर की तरफ चलते जाएंगे वो अट्रैक्शन फोर्स कम होने लग जाएगा. तो जो बाहर की सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास इतनी एनर्जी आ जाए जिससे वो उस जो ऊर्जा लेवल है उस एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, तो उस ऊर्जा लेवल को छोड़ करके ये फ्री हो जाएगा. तो जो जिस हिसाब से ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री होंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपके मटेरियल्स डिसाइड होते हैं. तो अपन बात करते हैं तीन टाइप के आपके मटेरियल्स होता है. एक आपका कंडक्टर होता है जिसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके एक से तीन लाई हो सकते हैं, जबकि इंसुलेटर में होते हैं वो आपके कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्री नहीं होता है, वो आपके चारों के चारों फुल्ली रहते हैं. जो वैलेंस बैंड होता है वो आपका फुल्ली होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. जबकि सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके चार होते हैं, इसलिए जो भी कार्बन होता है वो आपका चार बॉन्ड बनाता है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो आपके बढ़ती जाएगी. तो उसी हिसाब से उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी आपकी बढ़ती जाएगी. एनर्जी बैंड डायग्राम देखें अपन सभी का. तो एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, आपका दो बैंड होते हैं, एक आपका वैलेंस बैंड होता है, एक आपका कंडक्शन बैंड होता है. जब आपका इलेक्ट्रॉन्स आपके जिस आउटर सेल में प्रेजेंट होता है वो आपका वैलेंस बैंड होता है, उसमें के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट रहता है. और जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो उस एनर्जी लेवल को त्याग दे तो वो फ्री होकर के वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है. तो इस तरीके से दो एनर्जी लेवल बनते हैं, एक आपका वैलेंस एनर्जी लेवल, एक आपका कंडक्शन एनर्जी लेवल. जो आपका वैलेंस एनर्जी लेवल है उसको अपन वैलेंस बैंड बोल देते हैं, जो आपका
कंडक्शन एनर्जी लेवल होता है उसको हम कंडक्शन बैंड बोल देते हैं। तो जो करंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके कंडक्शन के होते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे उतने ज़्यादा आपका करंट उसमें फ्लो होगी। अब जो भी आपका वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है उसमें जो भी आपका गैप आएगा जिसको अपन बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप, वो प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेंट्स अलग अलग होते हैं। तो जो आपका कंडक्टर होता है उसमें अपन देखते हैं यहाँ पे ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। तो इसमें जो आपका दोनों एक दूसरे पर लाई कर रहे हैं यानी इसमें जो जो आपका बैंड गैप है वो आपका जीरो है। इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में इजीली आपके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और उससे आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। जबकि सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वैलेंस बैंड में जो आपका न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं और कंडक्शन बैंड इसके बीच में आपका एक गैप आता है, ये लगभग आपका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या अप्रोक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसकी वजह से आपके बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका वैलेंस बैंड से आपके कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं। इसलिए जो सेमीकंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी होती है वो आपकी कंडक्टर से कम होती है। ऐसे अपन इंसुलेटर की बात करें इंसुलेटर में जो आपका एनर्जी बैंड गैप होता है वो आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इसलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में ये कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाते हैं। इसलिए इसमें जो आपकी इंसुलेटर होते हैं इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो पाती है। देन इनमें कंपेरिजन है। कंपेरिजन में पहला पॉइंट है जो कंडक्टर मैंने भी बताया था, जो करंट होती है वो इजीली फ्लो होती है लेकिन सेमीकंडक्टर में जो होती है करंट होती है वो कंडक्टर से कम फ्लो होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। और इंसुलेटर में अपन जानते हैं उसमें आपके कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इसलिए उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। देन सेकेंड पॉइंट में जो भी कंडक्टर होता है इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक से लेकर के या तीन तक एग्जिस्ट करते हैं जबकि सेमीकंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं। और जो आपका इंसुलेटर होता है इसमें आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आपका इसको स्टेबल बनाते रहते हैं। इसलिए वो किसी और से अब कोई बॉन्ड नहीं बना पाता है। जो कंडक्टर होता है इसमें जो बॉन्ड बनता है वो आपका मेटेलिक टाइप का बॉन्ड होता है। जो कंडक्टर है इसमें जो आपका बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? मेटेलिक। जबकि सेमीकंडक्टर में होता है वो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है जबकि इंसुलेटर में ये आयनिक बॉन्ड बनता है। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट जो आपका डिफरेंस है जो आपका वैलेंस और कंडक्शन जो बैंड होता है इसमें कोई गैप नहीं रहता है एक दूसरे से या ओवरलैप करते हैं इसलिए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली आपके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर में ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है और जो इंसुलेटर होता है इसमें 6 से आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जितने ज़्यादा ये आपका गैप रहेगा उतना ही आपका जो मटेरियल है वो आपका इंसुलेटर की तरह काम करेगा। देन अपन रेजिस्टेंस की बात करें रेजिस्टेंस होता है वो आपका कंडक्टर का बहुत कम होता है और जो सेमीकंडक्टर का हाई होता है और इंसुलेटर का आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। तो सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी
और डाइसेंस होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। देन टेम्परेचर कोफिशेंट की बात करें, टेम्परेचर कोफिशेंट मतलब जो भी आपका टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। यदि पॉजिटिव होता है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, नेगेटिव होता है तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो आपका कंडक्टर में जो टेम्परेचर कोफिशेंट होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में आपका नेगेटिव होता है, और जबकि इंसुलेटर में होता है वो भी आपका नेगेटिव होता है। अब इसमें अपन एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कंडक्टर में कॉपर एल्युमिनियम होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम आता है और इंसुलेटर में माइका आता है। नाइन एलिमेंट से पहले अपन जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, इसकी टर्मिनोलॉजी वोल्टेज और करंट, उसमें अपन रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो इसका जो रिलेशन होता है वो ओम्स लॉ होता है। ओम्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद में ये फाइंड आउट किया कि किसी भी कंडक्टर के, अपन यहाँ पे कंडक्टर की बात करेंगे, तो यहाँ पे किसी भी कंडक्टर के दो एक्रॉस, यानी इसके एक्रॉस दो पॉइंटों के बीच में अपन जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से उस कंडक्टर में जो आपकी करंट फ्लो होगी वो उसके प्रोपोर्शनल में रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा। वी प्रोपोर्शनल आई होगा तो इसको इक्वल करने के लिए एक आपका कांस्टेंट आएगा, जिसको अपन यहाँ पे आर से डिफाइन कर रहे हैं। वी प्रोपोर्शनल आई, इसको इक्वल बनाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा आर, और आर को अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये एक अनुपात हो जाएगा कि इसका आपने जो भी कंडक्टर रखा है उसके ऊपर कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, और उसके थ्रू जो भी आपकी करंट फ्लो हो रही है आई, उसका अनुपात हो जाएगा। तो इसकी जो यूनिट होती है वो बन जाएगी वोल्ट और अपॉन एम्पियर, और जो आर को अपन यहाँ पे कांस्टेंट आता है इसको अपन इसका कुछ कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलेंगे, और इसको अपन ओम में नापते हैं, और इसका ये सिंबल होता है। अब बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है वो अपन अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन को ये ध्यान रखना है वी इक्वल टू आई आर होता है, और आर यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ये ओम्स लॉ अपन को याद रखना है, क्योंकि ये आपके जितनी सर्किट थ्योरी है इसमें हर जगह काम आएगा, इसलिए अपन को ये ध्यान रखना है वी इक्वल टू आई आर। अब अपन रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो आपका एक ऑब्जेक्ट होता है जो आपकी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है उसका अपोज करता है, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो ओम होती है, और इसका ये सिंबल होता है। अब बेसिकली अपोज कैसे करता है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं नीचे डायग्राम में, देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एक कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो जब इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं तो ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली, जैसे इनके आपकी डायरेक्शन दे रखी है, रैंडमली ये इधर उधर घूमते रहते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते रहेंगे। तो जैसे ये कोलाइड करते हैं तो इससे जो भी अपन, यदि अपन बाहर इसको इसके टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करें तो बाहर कोई आपको करंट नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो मोमेंट है वो इस तरीके से होती है कि ये एक दूसरे की मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि आपका जब आपका कोई कंडक्टर है उसके टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं तो उसमें से करंट क्या फ्लो होगी, तो उसमें से करंट हमेशा जीरो फ्लो होती है, क्योंकि उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसका मूवमेंट, उनकी हलचल जो होती है इस तरीके से होती है कि वो एक दूसरे के मूवमेंट या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हुई होती है। लेकिन अब जैसे ही मैं इसके एक्रॉस कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई है, तो यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर बैटरी लगाऊंगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा। अपन जानते हैं एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, तो फोर्स लगेगा, तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इनको एक यूनिफॉर्म आपकी डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जैसे ही आप पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस यूनिफॉर्म में आएंगे, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये यहाँ पे जाएगा, तो ये मूवमेंट करेगा, तो ये कुछ देर बाद में आपका दूसरे इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कोलाइड होगा, तो ये जो आपके कोलाइड होने के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसको अपन फ्री पाथ बोलते हैं। तो ये जो कोलाइड करने की जो टेंडेंसी होती है वो ही क्या होता है, आपका एक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जैसे ही आपकी कोलाइड होगी तो आपका उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुकेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुकेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा सॉरी आपकी करंट होगी उसमें के फ्लो होने में रुकावट पैदा होगी, और रुकावट पैदा होगी तो आपके बाहर जो आपको करंट होगा वो आपको करंट के में ओपोजिशन आपको दिखाई देगा। इसीलिए जो आपका ये रेजिस्टेंस होता है वो यही होता है कि आपका जो करंट होती है उसके ओपोज करे, ये जो आपका प्रॉपर्टी होती है इसी को अपन इलेक्ट्रिकल का रेजिस्टेंस बोलते हैं। देन रेजिस्टिविटी, अब जो आपका अपने बात की कि आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपका एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और इसको कोलाइड करते करते एक जब आपका एक टाइम आ जाता है जिस पे आपका इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे वर्क करने लग जाता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं ये आपका एक मेटल का एक फिक्स पैटर्न होता है, और ये जो आपकी प्रॉपर्टी होती है इसी को अपन इसके मेटल के रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो जो आपका रेजिस्टिविटी होती है वो हर मेटल की एक अलग रेजिस्टिविटी होती है, और रेजिस्टिविटी हमेशा कंडक्टिविटी के ओपोजिट होती है या इन्वर्सली होती है, यानी जिस मेटल की जितने कम रेजिस्टिविटी होगी उतनी ही उसकी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी का मतलब अपन जानते हैं कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतनी ही आपकी कंडक्टिविटी होगी, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी कम रेजिस्टिविटी हो जाएगी। तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंटेंसिक प्रॉपर्टी होती है इसी की मेटेरियल की, और जो कंडक्टिविटी की सॉरी रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होगी वो ओम मीटर होगी, जबकि कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट सीमेंस पर मीटर होगी, इसको अपन S/m से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ये सीमेंस है, ये किसकी प्रॉपर्टी है आपकी सॉरी किसका यूनिट है कंडक्टिविटी की, और ये आपकी ओम मीटर है, ये आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है कंडक्टिविटी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी अपन ने रेजिस्टेंस की बात की और अपन ने रेजिस्टिविटी की बात की, अब अपन बात करेंगे ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं और रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है।
तो जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो एक टाइप की मेटल की एक ही होता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो एक मेटल का अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसके सेक्शनल एरिया पे, उसकी लेंथ पे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, किस किस पे। तो जो फर्स्ट है, जो भी आपका मेटेरियल है, किस किस पे, दो फैक्टर पे काम करता है। एक जो फैक्टर होता है वो किस मेटेरियल से बना हुआ है, किस मेटेरियल से बना हुआ है मतलब उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है। दूसरा जो उसकी रेजिस्टेंस होता है वो सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आर प्रोपोर्शनल 1/a हो जाएगा। इसके साथ ही रेजिस्टेंस होता है वो कितना लॉन्ग है, यानी जो आपका आर प्रोपोर्शनल एल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ये फॉर्मूला देखते हैं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू होती है वो तीन फैक्टर पे काम करता है। एक उसके रेजिस्टिविटी पे, यानी आपका जो मेटल है वो किस टाइप का है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है। इसके साथ ही एल पे, यानी आर प्रोपोर्शनल एल, यानी जितना लंबा आपका रेजिस्टर होगा उसकी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना आपका मेटल लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। आर प्रोपोर्शनल 1/a पे, यानी जो भी आपका मेटल है वो जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और यदि जितना कम एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और ये भी साथ में ये भी ध्यान रखना है आर प्रोपोर्शनल एल होता है, आर प्रोपोर्शनल 1/a होता है, इन्वर्सली अपॉन ए। देन अपन बात करते हैं जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा उसके साथ आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो जो भी आपका इफेक्ट होगा वो अपन इस इक्वेशन से दिया जाएगा, आर टू इक्वल टू आर वन इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, जहाँ पे अल्फा होता है वो टेम्परेचर कोफिशेंट होता है, जो जितने भी आपके कंडक्टर होते हैं उसका अल्फा हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। इसके साथ ही आपके जो आर टू आर वन है वो T1 और T2 दो टेम्परेचर हैं, उसके करस्पोंडिंग रेजिस्टेंस हैं। तो आपका रेजिस्टेंस जैसे जैसे आप सॉरी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके साथ साथ आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, यदि टेम्परेचर कम करोगे तो उसके साथ आपका रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा। तो ये आपकी इस फॉर्मूले से अपन किसी भी टेम्परेचर पे अपन रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। देन आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, अपन रेजिस्टेंस को कैसे कैसे अपन कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। तो दो टाइप के आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक आपका सीरीज होता है एक आपका पैरेलल होता है। तो सीरीज होता है उसमें आपके हर रेजिस्टेंस होता है उसका एक टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन आपके रेजिस्टर हैं, R1, R2, R3। तो R1 का एक टर्मिनल ये हो गया है, दूसरा टर्मिनल ये हो गया है, लेकिन R2 का एक टर्मिनल ये है, तो इस R1 का एक टर्मिनल R2 के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, R2 का दूसरा टर्मिनल R3 के एक फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा उसको अपन सीरीज कॉम्बिनेशन बने देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसमें
हर जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस अपन ने वोल्टेज लगा दिया है, तो यहाँ पे जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो V1 रहेगा, V2 रहेगा और V3 रहेगा। और तीनों का जो वोल्टेज को अपन सम करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बैटरी के बराबर। और बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। यहाँ से अपन देखते हैं कि आपने सीरीज में अपन ने यहाँ पे एक एमीटर लगाई है, ये आपकी ए लिखा हुआ है, ये आपका एमीटर होता है जो आपकी करंट को मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे ए लगाई है और यहाँ पर भी एक एमीटर लगाया हुआ है, तो ये दो आपकी करंट को मापने के लिए लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों की रीडिंग होती है वो हमेशा सेम होती है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जो भी आपके सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा होता है उसमें हमेशा करंट होती है वो आपकी यूनिफॉर्म होती है, या इस एक ब्रांच में जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज में उनमें सभी में एक ही करंट फ्लो होगी। अब इसके लिए अपन को फॉर्मूला डिज़ाइन करते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अभी अपन ने देखा कि आई होती है वो ऑल पार्ट्स में आपकी सेम रहती है, और जो आपका वोल्टेज होता है V1 V2 V3 वो किसके बराबर होगा, जो अपने बैटरी का वोल्टेज लगाया है उसके बराबर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 इक्वल टू सॉरी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अपन जानते हैं लास्ट पिछली स्लाइड में देखा था हर जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस आपका अलग अलग वोल्टेज है, तो जो आपका R1 रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज है, तो यहाँ पे अपन ओम्स लॉ लगाएंगे, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1। आई आपकी सेम रहेगी क्योंकि आपका सीरीज में आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो सीरीज में आपकी करंट होती है वो आपकी सेम होती है, तो आई आपकी कॉमन हो जाएगी। ऐसे आपके R2 रजिस्टर है इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज कितना है, V2, तो ये आपका V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2। ऐसे ही आपका R3 के अक्रॉस कितना आ जाएगा, V3, और V3 इक्वल टू IR3। अपन जो भी सर्किट है इसको हटा करके इसकी जगह अपन एक रजिस्टर R लिख देते हैं जिसके ऊपर जिसमें से आपकी I करंट फ्लो होती है, तो जो R का मान होगा वो जो R1 R2 R का इक्विवेलेंट होगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे IR हो जाएगा। तो यहाँ पे V की जगह अपन ने IR लिख दिया है इस इक्वेशन में, और V1 की जगह IR1 और V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। ठीक है, I आपका कॉमन आ जाएगा इस पार इधर से, और I इससे आपका कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R है, ये तीनों के इक्विवेलेंट है, इसलिए इसको अपन R इक्विवेलेंट से लिखेंगे। तो इस तरीके से अपन देखते हैं जो भी आपके सीरीज में कनेक्टेड है जितने भी रजिस्टर उनको सिंपल अपन को ऐड करना है, यदि एक हो चाहे दो सॉरी दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो, इनको सिंपल इनको जोड़ना है। तो आर इक्विलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब सीरीज में है तो इसमें आपका एक रूल और बनता है पोटेंशियल डिवाइडर रूल, जो आपके बहुत काम आता है। तो पोटेंशियल डिवाइडर जो आपका वोल्टेज अपन ने अप्लाई किया है वो R1 R2 के अक्रॉस अलग अलग डिवाइड होगा, इसलिए इसको अपन पोटेंशियल डिवाइडर रूल बोलते हैं। तो वोल्टेज अपन ने अप्लाई किया है V, अब अपन बात करते हैं R1 की। तो अपन जानते हैं R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका V1 है, और V1 इक्वल टू अपन जानते हैं क्या होता है, V1 इक्वल टू
आई और आर वन, V1 इक्वल टू IR1 हो गया है। अब अपन I की मान यहाँ पे रखते हैं, तो I1 का मान क्या रहेगा, I का मान क्योंकि I होती है वो दोनों में सेम हो रही है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज है अपॉन टोटल रजिस्टर। तो वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, V अपॉन R1, टोटल रजिस्टर आएगा, और टोटल रजिस्टर कितना हो जाएगा सीरीज में, R1 प्लस R2, तो ये आपका ये R2। तो I का मान अपन यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये किसके अक्रॉस हो जाएगा, आपके R1 के V1। ऐसे V2 क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे देखते हैं अपन V1 को निकालना है, तो आपका अप्लाई वोल्टेज इनटू जिसके अक्रॉस आपको निकालना है वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टर, तो R1 प्लस R2। ऐसे V2 अप्लाई वोल्टेज, अप्लाई वोल्टेज कितना है V, और किसके अक्रॉस निकालना चाह रहे हैं अपन, R2 के अपॉन टोटल रजिस्टर R1 प्लस R2। इस तरीके से अपन कोई भी आपका सीरीज में कनेक्टेड है तो अपन उसके एक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपका ये 5.5 में दे रखा है, वी आउटपुट निकालना है, आउटपुट है तो इनपुट कितना वोल्टेज लगा रखा है अपन ने, वी इन, ये वी इन आ गया है, और किसके एक्रॉस निकालना है R2, तो ये R2 रख दिया है अपॉन टोटल रजिस्टर, तो सीरीज में जो रजिस्टर लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। इस तरीके से अपन पोटेंशियल को अलग अलग रजिस्टर के अक्रॉस डिवाइड कर सकते हैं। देन आपका रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब रजिस्टर को अपन पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तीन आपके रजिस्टर हैं, R1 R2 और R3, तो तीनों का एक टर्मिनल है। अपन इस टर्मिनल की बात करें, उनको अपन एक साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये तीनों आपके टर्मिनल हैं वो आपके एक साथ कनेक्टेड हैं, तो ये जो आपका लाइन बना हुआ है ये आपका सिंपल वायर है, तो इसका तीनों टर्मिनल आपका ये एक साथ कनेक्टेड हैं, जबकि इसका दूसरा टर्मिनल है ये टर्मिनल, सभी रजिस्टर का, एक का नहीं सभी का, सभी का दूसरा टर्मिनल उसको अपन एक साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका रजिस्टर है वो इधर से कनेक्टेड है, बीच में अपने ये लगा रखा है, लेकिन ये सिंपल कनेक्टेड है वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके जितने भी रजिस्टर कनेक्ट पैरेलल में कनेक्टेड हैं उनका एक टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड होगा सभी का, और दूसरा टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड होगा। अब इन तीनों टर्मिनलों के अक्रॉस अपन ने ये आपकी वो एक वोल्टेज बैटरी लगा दी है, इसकी वजह से इसमें से करंट फ्लो होगी, वो आपकी करंट अपन यहाँ पे मेजर करेंगे किससे, एमीटर से। तो वोल्टेज को अपन वोल्ट मीटर से नापते हैं और करंट को अपन एम्पियर से नापते हैं, तो ये जो करंट है, जो सॉरी एमीटर है वो क्या नापेगी, आई, लेकिन ये आई है वो आपकी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे जो इस R1 में जो आपकी करंट फ्लो होगी वो आपकी I1 होगी, इसको कौन मापेगा, A1। ऐसे ही R2 में जो करंट फ्लो होगी वो आपकी I2 होगी, इसको मापने के लिए क्या लगाया अपन ने, A2। ऐसे आपकी I3 है वो किस में से फ्लो होगी, R3, और इसको मेजर कौन करेगा, A3 एमीटर। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि सभी जितने भी पैरेलल ब्रांच हैं उसमें अलग-अलग आपकी करंट फ्लो होती है, लेकिन जितने भी आपके रजिस्टर हैं इसके एक्रोस हमेशा जो पैरेलल में जो वोल्टेज लगा रखा है वो हमेशा तीनों के यूनिफॉर्म रहेगा या सेम रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब जो भी आपके आगे करंट होगा तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है तो तीनों का सम होके मिलेगी, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 + I2 + I3, और जो वोल्टेज होगा वो आपके सभी रजिस्टर के अक्रॉस सेम रहेगा। अब अपन ओम्स लॉ लगाते हैं, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी इक्वल टू आई आर या आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आर वन के अक्रॉस लगाएंगे, तो आर वन के अक्रॉस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू आई वन आर वन, और यहाँ से आई वन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वी अपॉन आर वन। ऐसे ही अपन आई टू की वैल्यू निकालेंगे तो वी अपॉन आर टू, और ऐसे ही आपका आई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर थ्री। यदि अपन पूरे रजिस्टर को हटा करके एक आर रजिस्टर का अपन लगा देंगे जिसमें से करंट फ्लो हो रही है आर, तो वो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू वी अपॉन आर। अब इन जितने भी अपन ने आई वन आई टू आई थ्री ये निकाले हैं, इनका मान अपन इस इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा वी अपॉन आर, ये वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी आर टू, वी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा दोनों साइड से, और ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। और ये जो आपका आर है ये इक्विवेलेंट को बताएगा, तो इसलिए आर इक्वल टू क्या लिख देंगे आर इक्विवेलेंट, तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ये आपका फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा। यदि आपके दो रजिस्टर हैं आर वन आर टू, तब उसका इक्विवेलेंट होगा वो आपका सिंपल ये हो जाएगा, इसमें दोनों रजिस्टर हैं उनको ऊपर की साइड आपको मल्टीप्लाई करने हैं और नीचे आपको ऐड करने हैं, तो आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये दो रजिस्टर के लिए है, तो ये इजीली अपन को याद रखना है क्योंकि उससे फिर आपको टाइम लगेगा। देन अपन जैसे अपन ने वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ा है वैसे अपन करंट डिवाइडर रूल पढ़ेंगे, तो करंट डिवाइडर रूल होता है वो आपका हर ब्रांच में कितने करंट फ्लो होगी, यदि आगे से आपके जो करंट आ रही है वो आपको पता हो तो उसके लिए पहले अपन ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है, दो रजिस्टर हैं अभी मैंने पढ़ाया था, दो रजिस्टर होता है तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर होता है वो आपका आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू होता है। तो यहाँ से अपन क्या हो जाएगा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर टी, तो आर टी की जगह अपन ये वैल्यू रखेंगे तो आपका ये हो जाएगा आई इंटू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब अपन जानते हैं जितने भी आपकी पैरेलल ब्रांच होती हैं उसमें आपका वोल्टेज सेम होता है, तो आपकी आर वन में जो का आपका करंट फ्लो होगा वो होगा आपका इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं किया है वो अपॉन आर वन, तो एक्रॉस वोल्टेज कितना किया है वी, तो आपका ये वी हो जाएगा अपॉन आर वन। ठीक है, अब वी की जगह अपन ये वैल्यू रखेंगे, इस वी की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आई आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, और ये आर वन है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपकी करंट आई वन जो आर वन में से जो करंट फ्लो होगी वो रहेगी आपका आने वाली जो धारा, आने वाली धारा क्या है आई इंटू जो पैरेलल ब्रांच है उसका रजिस्टर, तो इसके पैरेलल में आर वन के पैरेलल में क्या है रजिस्टर आर टू, तो ये आपका आर टू हो जाएगा अपॉन टोटल रजिस्टर दोनों ब्रांच का रजिस्टर, तो आर वन प्लस आर टू, ये आपका आर वन प्लस आर टू रजिस्टर हो जाएगा। ऐसे ही अपन आई टू निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा, और फाइनली क्या बनेगा आने वाली धारा, आने वाली धारा क्या है आपकी आई इंटू पैरेलल ब्रांच का रजिस्टर, आर टू के पैरेलल में कौन सा रजिस्टर है आर वन, तो ये आपका आर वन रजिस्टर हो जाएगा अपॉन आर वन प्लस आर टू, नीचे आएगा वो हमेशा टोटल रजिस्टर आएगा दोनों ब्रांचों का। इस तरीके से अपन जितने भी पैरेलल ब्रांच हैं उनमें अपन
करंट को डिवाइड कर सकते हैं इस नियम से। तो आज के लिए अपना जो भी रजिस्टर है इसके बारे में पढ़ा, उसके बाद में इसके कॉम्बिनेशन पढ़े। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत ओके, थैंक यू।